बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अब्दुलरहमान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ए बी कार प्रोडक्शंस। तो आज मैं इस गाड़ी का पहले डिटेल रिव्यू लाया हुआ 2022 वैगनार PXL वेरिएंट। आज हम इसका डिटेल रिव्यू करेंगे, तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम हम आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रिव्यू। गाड़ी के हम एक्सटीरियर लुक की तरफ चलते हैं। तो एक्सटीरियर लुक में सबसे पहले गाड़ी की हेडलाइट्स के ऊपर बात करें। जो गाड़ी की हेडलाइट का साइज है वो बहुत ज़्यादा है। गाड़ी के अंदर हैलोजन बल्ब मिल जाते हैं हाई बीम लो बीम में। यहाँ पर गाड़ी के अंदर हमें पार्किंग लाइट मिल जाती है जिसके ऊपर ब्लू शेडिंग की गई है। और यहाँ पर गाड़ी के साइड टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे। गाड़ी के ग्रिल की बात करें तो यहाँ पर क्रोम की स्ट्रिपिंग मिल जाती है और नीचे मैट ब्लैक प्लास्टिक में गाड़ी की फ्रंट ग्रिल मिल जाती है। ऊपर हमें सुजुकी का क्रोम में मोनोग्राम मिल जाएगा। नीचे देखें तो हमें एयर आउटलेट्स के लिए मैट ब्लैक प्लास्टिक में एक बहुत ही बड़े साइज की ग्रिल मिल जाती है। गाड़ी के फ्रंट लुक की तरफ देखें तो गाड़ी का फ्रंट लुक बिल्कुल सिंपल बनाया गया है। गाड़ी के बोनट में दो शार्प कट्स मिल जाएंगे जो कि गाड़ी को एरोडायनामिक शेप दे रहे हैं। अब हम गाड़ी की साइड लुक की तरफ चलते हैं। गाड़ी के अब हम साइड लुक की तरफ आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको रिव्यू बताया, आज हम VXL वेरिएंट का डिटेल रिव्यू कर रहे हैं। तो गाड़ी के अगर हम व्हील्स की तरफ, VXL वेरिएंट में हमें 13 इंच के एलुमिनियम फिनिश में गाड़ी के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि जिनके ऊपर हमें टाइकोन का लोकल टायर मिल जाता है। जिसकी प्रोफाइल की बात करें तो 145/80/R13 है। अगर गाड़ी के टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसके टायर जो विड्थ है, गाड़ी की चौड़ाई है टायर की, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से ना गाड़ी की जो रोड ग्रिप है वो इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। गाड़ी की टायर्स, गाड़ी की सिस्टम की बात करें तो गाड़ी की फ्रंट टायर्स में हमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है, जबकि गाड़ी के रियर टायर्स में हमें ड्रम ब्रेक मिलती हैं। गाड़ी के फेंडर पे देखें तो यहाँ पर हमें टर्न सिग्नल्स मिल जाएंगे। गाड़ी के हम साइड मिरर्स की बात करें तो गाड़ी के अंदर मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ गाड़ी डिटेक्टेबल नहीं है, हमें इन्हें ऑटोमेटिक हमें इन्हें मैनुअली फोल्ड या अनफोल्ड करना पड़ता है। गाड़ी की अगर हम ड्राइवर साइड भी देखें तो यहाँ पर हमें एक एंटीना मिल जाएगा। गाड़ी की अगर हम विंडोज़ के साइज़ की बात करें तो बहुत ही वाइड गाड़ी की विंडोज़ हैं। और गाड़ी के अंदर बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल जाते हैं और यहाँ पर गाड़ी को मैनुअली लॉक या अनलॉक करने के लिए की नॉब मिल जाएगा। गाड़ी की साइड लुक की तरफ देखें तो गाड़ी की साइड लुक बिल्कुल सिंपल बनाई गई है। यहाँ पर हल्की सी गाड़ी के साइड लुक पे हमें कट्स मिल जाएंगे जो कि साइड लुक को थोड़ी सी प्रोनाउंस फील दे रही है। अब हम गाड़ी की रियर लुक की तरफ देखते हैं। गाड़ी के हम रियर साइड की तरफ आ गए हैं तो गाड़ी की जो टेल लैंप्स हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपलिस्टिक बनाई गई हैं। जिसमें गाड़ी के टर्न सिग्नल, गाड़ी की ब्रेक लाइट, पार्किंग लाइट और गाड़ी की रिवर्स लाइट आ जाती है। दरमियान में देखें तो यहाँ पर हमें क्रोम की गाड़ी के अंदर गार्निश मिल जाएगी, सुजुकी का मोनोग्राम मिल जाएगा और गाड़ी की ट्रंक ओपन करने के लिए यहाँ पर कीनो मिल जाएगा। वैगनार की ब्रांडिंग, VXL की ब्रांडिंग मिल जाएगी। गाड़ी की ट्रंक स्पेस की तरफ चलते हैं। गाड़ी की जो ट्रंक है वो की से हम ओपन करेंगे। गाड़ी की हमें यहाँ पर दो हाइड्रोलिक शॉक्स मिल जाते हैं जिनकी मदद से गाड़ी की ट्रंक ओपन या क्लोज हो जाती है। यहाँ पर हमें हल्का सा स्प्लिटर मिल जाएगा जिसपे हम छोटा मोटा सामान रख सकते हैं। और ऐसे गाड़ी के नीचे चलें तो यहाँ पर भी हमें कारपेट स्प्लिटर मिलेगा, जिसे हम ऊपर करें तो यहाँ पर हमें गाड़ी का स्पेयर व्हील मिल जाता है, गाड़ी का जैक और टूल किट मिल जाती है। गाड़ी के अगर हम ट्रंक स्पेस की बात करें तो गाड़ी की ट्रंक स्पेस दरमियानी है, इसमें हम छोटा मोटा लगेज रख सकते हैं। अगर हम ज़्यादा लगेज रखना चाहते हैं लेकिन 60-40 स्पीड दिया गया है जिसकी मदद से हम गाड़ी की ट्रंक स्पेस को बढ़ा सकते हैं। ये था ओवरऑल गाड़ी की ट्रंक का रिव्यू। गाड़ी की ट्रंक को क्लोज करते हैं। अब हम गाड़ी के इंजन की तरफ चलते हैं। गाड़ी के बोनट को ओपन करें। गाड़ी के हमने बोनट को ओपन कर लिया। गाड़ी के इंजन बे की तरफ चलते हैं तो गाड़ी के अंदर 998 cc का इंजन आता है। जिसकी अगर हम फिनिशिंग की बात करें तो गाड़ी के इंजन की जो फिनिशिंग है वो अच्छी बनाई गई है। इतनी ज़्यादा यानी कि पैक तो नहीं है गाड़ी के इंजन की जो कंपोनेंट्स हैं, लेकिन गाड़ी के जो इंजन है उसकी फिनिशिंग ओवरऑल अच्छी बनाई गई है। गाड़ी के अगर हम इंजन की हॉर्स पावर की बात करें तो ये गाड़ी का इंजन 67 हॉर्स पावर और 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी के अंदर हमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाती है। इसके अंदर AGS गियर भी आता है जो कि इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट आ जाता है वैगनार का। गाड़ी के इंजन के अगर हम फ्यूल एवरेज की बात करें जो एक एवरेज देती है शहर के अंदर, वो तकरीबन 19-20 और लॉन्ग रूट पे 22-23 की एवरेज गाड़ी दे देती है विद अ लाइट फूड। गाड़ी के बोनट की बात करें तो यहाँ पर हमें कोई भी इंसुलेशन शीट नहीं मिलती। अगर गाड़ी के अंदर सुजुकी कंपनी इंसुलेशन शीट दे तो गाड़ी के इंजन का जो नॉइस और वाइब्रेशन है वो कैबन के अंदर ना आए। ये था ओवरऑल गाड़ी के इंजन का रिव्यू। गाड़ी के बोनट को क्लोज करते हैं। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो गाड़ी की की में आते हैं। तो गाड़ी के अंदर वैगनार में दो कीज आती हैं, एक गाड़ी के अंदर इमोबिलाइजर की आ जाती है और एक सिंपल की आती है। गाड़ी को अनलॉक करेंगे, गाड़ी के अंदर एंट्री एग्जिट को चेक करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा गाड़ी के अंदर एंट्री एग्जिट इतनी मुश्किल नहीं है। गाड़ी की जो सीट है उनको हम रिक्लाइन कर सकते हैं और गाड़ी की सीट को हम आगे पीछे कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट का फीचर वैगनार में नहीं आता। अब मैंने जैसे कि आपने देखा मैंने गाड़ी की सीट को अपने मुताबिक सेट किया तो गाड़ी का जो लेग रूम है वो भी सफिशिएंट है। ऐसे जो गाड़ी का हेड रूम है वो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। गाड़ी का लेग रूम, हेड रूम,
फ्रंट पैसेंजर के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी की जो रूफ है वो ज़्यादा रेज है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से गाड़ी का जो हेडरूम है वो भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है इस गाड़ी में। अब हम गाड़ी की रियर सीट्स पर चलते हैं, गाड़ी की रियर सीट्स को देखते हैं कैसे। गाड़ी की रियर सीट्स की तरफ चलते हैं, गाड़ी को डोर को ओपन करते हैं। तो गाड़ी की जो डोर को ओपन करने में एक बात बताना चाहूँगा, गाड़ी की जो डोर की ओपनिंग है वो ज़्यादा वाइड है, तकरीबन 90 के एंगल पर गाड़ी का जो डोर है वो ओपन होता है। गाड़ी की रियर सीट्स पर बैठते हैं, तो जैसे कि मैंने आपको गाड़ी के फ्रंट सीट का रिव्यू दिया, फ्रंट सीट के ड्राइवर पैसेंजर के लिए लेगरूम हेडरूम तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो गाड़ी के रियर सीट का जो लेगरूम है वो थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाता है, लेकिन जो गाड़ी का हेडरूम है वो सफिशिएंट है। गाड़ी की रियर सीट पे हमें हल्का सा हम्प ना होने के बराबर मिल जाता है, यहाँ पर एक कप ग्लास होल्डर मिल जाएगा हमें। गाड़ी के हम डोर्स की बात करें तो गाड़ी के जो डोर कवर हैं, गाड़ी के डोर्स कवर बिल्कुल प्लास्टिक में आते हैं, सिंपल हैं। यहाँ पर हल्की सी हमें एक पॉकेट मिल जाएगी जिसमें हम कॉइन्स या गाड़ी की कीज़ वगैरह रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं। और जो गाड़ी की रियर विंडोज़ हैं वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आई हैं, फ्रंट विंडोज़ जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक हैं, लेकिन गाड़ी की जो रियर विंडोज़ हैं वो मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ आई हैं। सिल्वर कलर में गाड़ी की डोर लैच मिल जाएगी, ऐसी ही गाड़ी का दूसरा डोर है हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, जिसकी फिनिशिंग तो बेहतर है, लेकिन अगर इसे इसके अंदर हमें कप ग्लास होल्डर देती कंपनी तो ज़्यादा बेहतर था। अब हम गाड़ी की फ्रंट इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर कैसे। गाड़ी के हम इंटीरियर की तरफ आ गए हैं, गाड़ी के सबसे पहले हम स्टेयरिंग के ऊपर बात करते हैं। तो गाड़ी के अंदर बिल्कुल ही सिंपल गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील मिल जाएगा, यहाँ पर हमें सिल्वर लाइनिंग का इस्तेमाल मिल जाएगा, क्रोम का सुजुकी का मोनोग्राम मिल जाता है। गाड़ी के हम लाइट एडजस्टमेंट की तरफ चलें तो गाड़ी के अंदर मैनुअल लाइट एडजस्टमेंट है, ऐसे ही गाड़ी के अंदर सिंपल वाइपर से कंट्रोल मिल जाएंगे। गाड़ी के जो स्टेयरिंग है इसके अंदर ना टिल्ट फीचर आता ना ही टेलीस्कोपिक फीचर आता। गाड़ी के मीटर की तरफ चलते हैं तो गाड़ी के अंदर एनालॉग आरपीएम मिल जाएगा हमें, और गाड़ी की 180 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड मिल जाएगी। जो गाड़ी के मीटर की एनिमेशन या ग्राफिक्स बनाए गए हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाए गए हैं, ऑरेंज टच का हमें इस्तेमाल मिल जाएगा। इससे नीचे अगर हम गाड़ी की स्क्रीन की तरफ चलें, स्क्रीन है उसके अंदर हमें डिजिटल गाड़ी की फ्यूल गेज मिल जाती है, गाड़ी के ऑडोमीटर मिल जाएगा, इस बटन से हम इसकी ट्रिप ए ट्रिप बी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जो गाड़ी की स्क्रीन है उसके अंदर हमें इतना ज़्यादा ये इन्फॉर्मेशन तो नहीं प्रोवाइड करती, ना ही गाड़ी के अंदर ये एवरेज बताती है करंट, सिर्फ ये ट्रिप ए ट्रिप बी और ऑडोमीटर बताएगी और फ्यूल गेज आ जाएगी इसके अंदर। गाड़ी के ओवरऑल इंटीरियर की बात करें तो गाड़ी का जो इंटीरियर है वो स्किन बेज और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ बना हुआ है। गाड़ी का जो इंटीरियर है, गाड़ी का इंटीरियर खूबसूरत बनाया गया है, सेंटर में हमें बहुत ही बड़े साइज़ की एक स्क्रीन मिल जाएगी, जिसे हम टच रिस्पॉन्स की बात करें तो गाड़ी का जो टच रिस्पॉन्स है वो बस इतना अच्छा नहीं है। चाइनीज़ गाड़ी के अंदर जो है ये स्क्रीन मिलती है, सिंपल एंड्रॉयड ऑटो का इसके अंदर ये एंड्रॉयड प्लेयर नहीं है, हैजर्ड का बटन मिल जाएगा। ये सारा जो गाड़ी का ये यहाँ पर ये पोर्शन है ये मैट ब्लैक प्लास्टिक में मिलता है। एसी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एनालॉग क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है। गाड़ी के दरमियान में कंसोल में आएँ तो यहाँ पर हमें दो कप ग्लास होल्डर्स मिल जाएंगे, मैनुअल ट्रांसमिशन है, 5-speed मैनुअल गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक मिल जाती है। गाड़ी की सीट्स की बात करें तो गाड़ी के अंदर फैब्रिक में गाड़ी की सीट्स आ जाती हैं, जिनकी कुशनिंग की बात करें तो इतनी अच्छी नहीं है, इतनी कंफर्टेबल गाड़ी की सीट्स नहीं बनाई गई। गाड़ी के अगर डैशबोर्ड की बात करें तो गाड़ी का डैशबोर्ड है वो प्लास्टिक में है, लेकिन जो उसकी बिल्ड क्वालिटी है वो अच्छी बनाई गई है। यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मिल जाता है जिसमें हमें सफिशेंट स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी। गाड़ी के जो डोर्स हैं, डोर्स के कवर्स हैं, ये फ्रंट डोर्स में हमें दोनों जो विंडोज हैं वो इलेक्ट्रिक मिलती हैं। जो ड्राइवर डोर है उसकी ऑटोमेटिक ऑटो डाउन जो है ऑटो डाउन फीचर आता है इस ड्राइवर डोर में, लेकिन ये आप हमें खुद ही अप करनी पड़ती है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाएगी और यहाँ पर हमें फाइल होल्डर्स मिल जाते हैं, कप ग्लास होल्डर वगैरह नहीं मिलते। गाड़ी के अंदर टोटल 4 स्पीकर्स मिलते हैं। गाड़ी की अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो गाड़ी की साउंड क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें वो अच्छी बनाई है गाड़ी के अंदर। यहाँ पर रियर व्यू मिरर मिल जाता है, सनशेड मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर, मिरर तो नहीं मिलता लेकिन सिंपल सनशेड मिलते हैं। गाड़ी के अंदर हेलोजन में लाइट मिल जाएगी। रूफ लाइनर की बात करें गाड़ी के अंदर स्किन कलर में फैब्रिक का गाड़ी के अंदर रूफ लाइनर मिल जाता है। ये था ऑल गाड़ी का इंटीरियर का रिव्यू। अब हम गाड़ी के 0-100 टेस्ट की तरफ चलते हैं। आज के रिव्यू के लिए सिर्फ इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा डिटेल रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का डिटेल रिव्यू पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और गाड़ी के डिटेल रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।